पहले आरटीपीसीआर समझते हैं। देखिए जो कोरोना वायरस है ना, ये ससुरा सबसे बड़ा समस्या है कि ये एक आरएनए वायरस है। आरएनए जो होता है, और हम लोग के पास डीएनए है। देखिए डीएनए डबल हेलिक्स होता है, इसमें दोहरी रस्सी होती है, डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए का मॉडल, जबकि आरएनए जो होता है डीएनए का आधा होता है, ये केवल सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल हेलिक्स होता है यहाँ पर। तो ये आरएनए हो गया, ये डीएनए, हमारे शरीर में डीएनए होता है, ये जेनेटिक होता है। और जो कोरोना वायरस है इसके अंदर जो है वो आरएनए है। समस्या ये है कि हम लोग आरएनए को नहीं चेक कर पाते, हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो चेक करने की है वो डीएनए को चेक करने की है। जैसे आपके बच्चे की शक्ल अगर आपके पड़ोसी से मैच करने लगती है ना, तो हम लोग डीएनए चेक करते हैं, लेकिन ससुरा कोरोना में डीएनए है ही नहीं है, तो चेक कैसे करेंगे? तो हमें उस आरएनए को जोड़कर, एगो एनए से एनए से जोड़ के हमें क्या बनाना पड़ेगा, डीएनए बनाना पड़ेगा। तो डीएनए जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, इसका एक हिस्सा तोड़ दीजिएगा तो आरएनए बन जाता है। इस तोड़ने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तोड़ने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन ससुरा कोरोना में तो पहले से टूटल एक के गो ही है, तो इसे जोड़ना होगा, तो इसे हमें आरएनए से वापस डीएनए बनाना होगा। तो जब डीएनए से आरएनए बनाए थे तो ट्रांसक्रिप्शन था, तो वापस आरएनए से जब डीएनए बनाएंगे तो उसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो हमें कोरोना की जांच करने से सबसे पहले कोरोना के अंदर जो आरएनए है उसे जोड़कर हमें क्या बनाना पड़ेगा, डीएनए बनाना पड़ेगा। इस क्रिया को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसी को कहा जाता है आरटी। तो कुछ लोग इसको रियल टाइम कह रहा है, इसे कहा जाता है आरटी। अब पीसीआर का होता है क्या, पॉलीमराइज़ चेन रिएक्शन। तो ये क्या किया जाता है, कई ठो चेन बनाने होते हैं, कई सर्किल बना के होता है। जैसे मान के चलिए एक यहाँ सर्किल, दो सर्किल बना दिए यहाँ पर, तो दो हो गया यहाँ पर, तो ऐसे करके चेन बनाया जाता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज़ चेन रिएक्शन, इसी आधार पर कोरोना जो होता है उसकी जाँच किया जाता है।